अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज आपकी खिदमत में एक इस्लामी वाकया बयान करूंगा जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में हजरत अबू बकर सदीक जो उनके यार गार थे उनके साथ मौजूद थे, तो एक सांप जो था उसने दुआ मांगी थी। सांपों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा नाजरीन के। जब 100 साल का सांप हो जाता है तो वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसने दुआ मांगी थी कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहता हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत करते थे और हजरत अबू बकर सदीक उनके यार गार थे, वो गार में उनके साथ होते थे। तो गारे हिरा में जब वो मौजूद थे तो वहाँ पे एक सुराख था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक के गोद में इस तरह सर रख के सो रहे थे, तो हजरत अबू बकर सदीक जो थे उन्होंने एक सुराख था उसके आगे अपनी एड़ी कर दी कि कोई जानवर गारे हिरा में आके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मतलब जो है वो तकलीफ ना पहुंचाए, कोई डस ना ले। तो वो जो सांप था उस सांप ने दुआ मांगी हुई थी, तो वो बार बार हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को की एड़ी पर डंग मार रहा था कि ये रुकावट हटे और मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जब हजरत अबू बकर सदीक के आंसू गिरे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाग खुली। उन्होंने कहा क्या बात है अबू बकर सदीक, क्यों रो रहे हो? तो उनका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ है जो मेरे पाँव को डंग मार रही है, मुझे ये है इसलिए मैंने रोका हुआ है कि वो आपको नुकसान न दे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया कि आने दो अबू बकर सदीक। तो वो सांप जो है वो अंदर आया और उसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और दीदार करने के बाद वो जो है वापस चला गया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन उनके ज़ख्म पर लगाए तो वो ठीक हो गए। इसी तरीके से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हैं जिनका मज़ार टर्की में है, जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल है, मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल है। इसी तरीके से हजरत अरकम अलैहिस्सलाम हैं जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ था, पहले सहाबा हैं जिनके घर से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज़ किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादक और अमीन कहलाए, लोग अपनी अमानतें छोड़ जाते थे और जिस तरह छोड़ जाते थे उसी तरीके से उनको वापस कर देते थे। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल माल के इंचार्ज थे। एक लड़की खेल रही थी तो आटा लेकर जो बैतुल माल के लोग गए, उनका लड़की जाओ देख कर आओ कितनी देर का आटा पड़ा है। उसने कहा आज का पड़ा है, कल लेकर आना। तो फिर वो कल उनके घर में बोरी छोड़ कर आए। इसी तरीके से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल माल में नहीं भी होता था तो कोई साहिल आता था तो हजरत अबू बकर सदीक उधार ले आते थे और उनको उनकी खिदमत कर देते थे, और बाद में बैतुल माल में आता तो वो कर्ज अदा कर दिया जाता था। एक वक्त ऐसा हुआ कि ईद करीब आ रही थी तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा या रसूलल्लाह मैं इधर उधर हो जाता हूँ, मैं ही उधार पकड़ कर आता हूँ, ऐसा ना हो उधार लेने वाले तंग करें। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी नहीं अल्लाह अच्छी करेगा, बैतुल माल में आ गया और उन्होंने अपनी ईद की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अबू बकर सदीक जो हैं वो बहुत ख्याल रखते थे। जब भी इस्लाम में ज़रूरत पड़ती थी तो अपने घर का पूरा माल दे देते थे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो? अल्लाह ताला की ज़ात का नाम छोड़ आया हूँ या रसूलल्लाह। हजरत अबू बकर सदीक एक हर रोज़ हजूर का सबसे पहले सुबह दीदार करते थे। एक दिन दीदार नहीं किया तो हजूर ने पूछा अबू बकर सदीक आज नहीं आए? तो हजरत अबू बकर सदीक ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे पास एक शख्स आया था, उसकी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल था, उसके एहतराम की वजह से। तो हजूर ने कहा अच्छा किया तुमने। ये था इस्लाम के एक बाल की खातर नबी का दीदार छोड़ दिया, आज पूरा पूरा सफ़ेद हैं, यानी कि एक बाप जो है 7 सपूत पाल लेता है लेकिन 7 सपूतों से एक बाप नहीं पलता।